ज्यादा दिए ही है। अच्छा तुमने मुझे ज्यादा दिया है, इन्होंने मुझे ज्यादा दिया है। इतने सारे खाली खाली रूम है, बहुत सारे एकदम पूरा खाली है, हम लोग किसी में भी घुस गए। जाओ ये जाएगी, ले लो जाओ आराम से आराम से। रो रही यहाँ पे भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम सब, आई होप के बहुत अच्छे होगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग करने का पर्पज़ ये है कि आज मैं पहली बार पब्लिक प्लेस में, यानी कि पब्लिक प्लेस में साड़ी पहन के जाने वाली हूँ। तो यार मतलब मुझे तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि मैं पब्लिक प्लेस में साड़ी पहन के जाने वाली हूँ ओनली वीडियोज़ बनाने के लिए। अभी तो मैं घर पे हूँ, मतलब मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, जो डिलीवरी बॉय ने ना मेरे को गुस्सा दिलाया, मतलब 10 मिनट 5 मिनट छोड़ छोड़ के, मैंने आधे घंटे का ऑर्डर था, 1.5 घंटे में आ रहा है। अभी आएगा तो मैं उसे सुनाऊंगी ज़रूरी है। वैसे तो मैं इन लोग को नहीं बोलना चाहती, ऑलरेडी ये लोग इतना मेहनत करते हैं तो इसी का आवाज़ इतना ज़्यादा आ रहा है। तो पहले डिलीवरी बॉय आ जाए, उसके बाद उसे थोड़ा सा डांटूंगी कि ऐसा मत किया करो मेरा, यार मुझे कहीं जाना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके तो मिलते हैं। अच्छा भैया आप इतना लेट क्यों कर दिए हैं, गलत बात है ना। सुनिए मैं आपका लोकेशन ट्रैक कर रही थी, मैं आपका लोकेशन, उन्होंने मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दिया था, ऑर्डर बन गया आपका। मैं आपका लोकेशन ट्रैक कर रही थी, आप परंपरा पहुंचे ही नहीं थे। देखिए मल्टी ऑर्डर बजा हुआ था, देखिए पीछे एक नहीं है भैया, जो भी है आप, मैंने ऑर्डर किया था 1 बजे, 1.5 घंटा आपने कर दिया, ठीक ना। ये मैं जब भी करती हूँ ना वहाँ से ऑर्डर तो हमेशा लेट होता है, मैं वहाँ पे कॉल करके पता कर लेती हूँ, ठीक ना। पेमेंट पहले करने कर देते हैं तो आप लोग पता नहीं क्यों लेट कर देते हैं। अगर ये मैंने पेमेंट नहीं किया होता तो आप लोग लेट नहीं करते, यही होता है ना। प्लीज दोबारा ऐसा मत करिएगा, ये बहुत गलत है। आ गया मेरा ऑर्डर, ऐसे डांटना तो नहीं चाहिए, ये लोग ऑलरेडी धूप में इतना मेहनत करते हैं, बट बोलना जरूरी है ना, काम पंचुअल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं बहुत पंचुअल हूँ। ओके मिलते हैं अभी। गाइज ये है हमारा कढ़ी चावल जो कि मैंने मार्केट से मंगाया है, इतना टेम्पटिंग, इतना टेस्टी है ना मैं क्या बताऊं। देखने में मैंने इसे पूरा गज दिया है इसको। इसमें मैंने पता है क्या सरपुतिया की सब्जी मिलाई है। सरपुतिया अगर जान रहे हो तो बताओ मुझे, नहीं जान रहे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं बता दूंगी क्या है। सरपुतिया की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, इट्स माई फेवरेट। ओके तो मैं ये खाना खा के मिलती हूँ कुछ देर बाद। ओके बाय बाय। तो गाइज मैं ना थोड़ा सा मार्केट आ गई थी यार, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, कुछ पर्सनल काम था, तो वो मैं करने आ गई थी। मैं जा रही हूँ घर, फटाक से रेडी होती हूँ, बिकॉज दी रेडी हो चुकी हैं, वो भी साड़ी में ही जा रही हैं, मतलब जैसे कि तुम उनको जानते होगे, और मैं भी साड़ी में जा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पहले मैं देखती हूँ मेरे पास साड़ी लग कैसी थी, क्योंकि वो साड़ी मेरी नहीं है, दीदी से ही मैंने लिया है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लगती कैसी हूँ। तो मैं अब मिलती हूँ तुमसे डायरेक्ट घर पहुँच के रेडी होने के बाद। 2000 years later. Hey guys, so I am ready. यार मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि दीदी और भैया पहले चले गए, because breaker आ गया। हाँ, because उन लोगों को पहले जाना था और मुझे थोड़ा सा कुछ काम आ गया था पर्सनल, तो इसलिए मेरा लेट हो गया है, इसी वजह से मैं अलग से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी निकलना पड़ सकता है वहाँ से। आई मीन हम लोग काफ़ी मतलब दूरी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दूर है जहाँ पे जा रहे हैं। गॉड कैसा बैकग्राउंड आ रहा है ना, तो बाई चांस मुझे अगर निकलना पड़ गया तो फिर मैं तो फंस जाऊंगी, इसीलिए मैं अलग से जा रही हूँ। तो देखो अब आ गया अंडरग्राउंड। तो गाइस लोकेशन पे पहुंचकर मैं मिलती हूँ, अभी बहुत अंधेरा आ गया है, अभी देखो उजाला भी हो जाएगा। दीदी कब से मेरा वेट कर रही हैं, पहले पहुंच के अपना वीडियो वगैरह बना ली होंगी, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। आई थिंक रील्स वगैरह आ चुकी होगी, जाके इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना, तमन्ना किलर, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम की। एंड थैंक यू, मिलते हैं वेन्यू पे, आई मीन लोकेशन पे। हम आ गए वेन्यू पे, वो लोग बाहर हैं, गाड़ी पार्क हो गई, देखते हैं एक्सप्रेशन यार, क्राउड तो नहीं है वैसे। क्या शिवी शिवी शिवी, आउच। मम्मी कहाँ है?
वहां पे हैं सब लोग। देखो वहां पे देखो आइसक्रीम खा रहा है सब। ओके दिस क्या हम ही तो बोले हैं, हम ब्लॉग में बोल भी दिए हैं। चुप रहिए, हम कैसे आए हैं? तो वीडियोस बन गई है, हम लोग अब जा रहे हैं अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। अंदर देखते हैं क्या क्या वीडियो बनती है। दीदी ना गिरते गिरते बची है, इनकी आईडी पे जाके देखना, शिष्ट सिंह 143। ओके, बहुत भयंकर गिरी है। जहाँ पे हम लोग आए वहाँ न्यूज़ पेपर ये लाइन है। दीदी की बेटी देखो कैसे खेलती जा रही है, लाइन 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 सूरज हो सकती है, लेकिन जैसे कि बहुत ही बड़े और बड़े न्यूज़ से न्यूज़ पे भैया लाइव आए थे और मुझे नॉलेज नहीं था वो किस रिकॉर्डिंग लाइव आए थे। मैं तो ऐसे भागी हूँ ना वहाँ से, बच दीदी को माइक पकड़ा दिया गया। रिकॉर्ड अभी मैं ड्रेस लाई है चेंज कर। कॉम्प्लेक्स पूरा खाली है, हम लोग जगह ढूंढेंगे चेंज कहाँ करें। सूट लेकर आए यार क्योंकि अनकंफर्टेबल लग रहा है। सूट में भी वीडियो बनाएंगे, सूट में भी वीडियो बनाएंगे। हाँ एक दो मैं भी बना लूँगी, मेरा तो सूट कुछ खास भी नहीं है। चेंज करके मिलते हैं। ओके, इतने सारे खाली खाली रूम है, बहुत सारे एकदम पूरा खाली है। हम लोग किसी में भी घुस गए, चेंज कर लिए। लुक एट दिस, दीदी वहाँ पे हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स खाली है गाइस। जिसको परचेस करना है किसी भी चीज़ के लिए, जिम शॉप वगैरह कुछ के लिए, आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है क्योंकि यहाँ पैरासेलिंग भी सामने स्टार्ट हो गया है। स्पोर्ट्स का इस कॉम्प्लेक्स का नाम है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब हमने चेंज कर लिया, चेंज करके अपन लोग जा रहे हैं आई मीन बाहर। शायद इसमें भी मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, प्यास लगी है आपको? हाँ। हमको भी दीजिए, गार्डन को सब लोग पानी मंगाया। हाँ। यहाँ वीडियो बन रही है और मैं यहाँ पे चिल कर रही हूँ। बहुत क्राउड होने वाला है, ये सब छोटे छोटे बच्चे मतलब 17-18 साल के पानी में भीग भीग के डांस कर रहे हैं। हम फोटो क्लिक करा रहे हैं। ये प्लेस आने वाले टाइम में बहुत डेवलप होने वाला है। मैं स्विंगम खा रही हूँ। बाप रे, वीडियो बन गई। मुंह में गुटका लियो ना तुम। भैया उस गाड़ी से चले गए, मैं और दी अपने गाड़ी से आ रहे हैं। ये रो रही है पापा के लिए। उन लोग को जाने देना आगे। पापा मत रो बेटा, मत रो। आराम से। हम लोग रुके हैं पानी पूरी खाने के लिए। लुक एट दिस, फिर हम लोग आ गए हैं चाय पीने। चाय चाय चाय। तो अपन लोग आ गए हैं हम घर पे। क्या हुआ? मटन बना हुआ है, लोगों को शिवी लगी हुई है किताबों में। गाइस पता क्या, मैं सो गई थी, मैं एक्टिव नहीं थी। लेकिन सोने के बाद मैं सुबह जब उठी उसके बाद से मुझे याद आया मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया। तो आज नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में मैं कुछ ऐसे खास स्पेशल तो नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को कुछ मन कर रहा था बाहर का खाने का। एंड तो अभी मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मैं वहीं जाने वाली हूँ। ओके,
मिलाती हूँ अपनी फ्रेंड से डायरेक्ट। बाय बाय। तो हम लोग आए हैं, कुछ खाने आए हैं और आइसक्रीम खाने आए हैं। पता है क्या, अभी जस्ट मेरी फ्रेंड हम दोनों मिले हैं साथ में। हम लोगों को खानी थी आइसक्रीम, उसके बाद हम लोगों को शॉपिंग भी करना ना, शॉपिंग भी करना, बट ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं क्लिप वाइज दिखाऊंगी। ओके, तो हमको यार कौन सी खानी है आइसक्रीम? बास्किन रॉबिन्स माई फेवरेट। कौन सा नया खुला है? 1963 है कहाँ? अच्छा हाँ, अभी तो बन रहा है। हाँ, तो ये लोकेशन है, गैस करो ये लोकेशन। उसके बाद से यार मुझे ना एक हाई वेस्ट जीन्स लेनी है, और जो लिपस्टिक मैं लगाई हूँ इसका चुरा कर लगाई हूँ। ये कलर मुझे लेना है। ओके, फेवरेट आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स। मुझे लगा स्मॉल स्मॉल बहुत कम होगा, बट इतना ज्यादा हैवी है ना। अच्छा, मुझे ज्यादा दिया है इन्होंने, मुझे ज्यादा दिया है भाई। मैंने कहा इतना आता नहीं है। वहाँ पर भी मैंने खाया, सिटी मॉल में मैंने खाया। ओके, थैंक यू गाइज। हमने बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक कराई है, वीडियो नहीं बना पाई खुद की साथ की, बिकॉज एक दूसरे के साथ बस बनाया, फोटो कैसे कैसे किसी से बोल के क्लिक करा लिया। देन अब मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, बिकॉज इसके बाद ऐसा कुछ खास काम तो है नहीं, बस इसे भी कुछ सामान लेना था, मुझे भी कुछ सामान लेना था, उसके बाद से मैं घर जाऊंगी। ओके, तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं इस वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, एंड डू सब्सक्राइब। बोलो यार, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ओके, सो मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।